उठो हम मना लें, आओ एक बार देखिए आस्था जी हमसे जुड़ गई हैं और अब हम चाहेंगे कि आस्था जी अपना कविता पाठ करें। मैंने आस्था जी को इस पटल पे आमंत्रित कर लिया है, तो आस्था जी आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। नमस्कार मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस पटल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी मैं आस्था जोशी अल्मोड़ा उत्तराखंड से यहाँ पर मौजूद हमारे सभी श्रोतागण को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और एन चंद्रा मैजिक मैन द्वारा आयोजित इस शो के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज की आपका स्वागत है आस्था जी, आपका स्वागत है इस पटल पे। और मैं चाहूंगी कि देखिए प्रेम का पखवाड़ा चल रहा है जी मैम, और साथ में ही महिला दिवस भी है, तो आप दोनों को लेते हुए अपनी रचनाओं को जी मैम, प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल मैम, चलिए स्वागत है आस्था जी, आप अपनी रचनाएं शुरू करिए। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि महिला दिवस और प्रेम पखवाड़ा दोनों चल रहा है, और इन दोनों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है माँ, जो हमारे जीवन बिल्कुल में पहली गुरी गुरु है, सबसे प्रमुख महिला है और साथ साथ प्रेम की जननी है। तो कुछ पंक्तियां मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। छाँव तेरी मेरी जन्नत है, छाँव तेरी मेरी जन्नत है, मुस्कुराहट तेरी मेरी मन्नत है, मुस्कुराहट तेरी मेरी मन्नत है, सुकून जब तू साथ है, सुकून जब तू साथ है, तेरी दुआओं से जिंदगी आबाद है, तेरी दुआओं से जिंदगी आबाद है। ये बहुत कुछ अच्छा। पंक्तियां थी माँ के लिए। आगे मैं बढ़ना चाहूंगी। एक कविता मैंने एक प्यार पे लिखी है, जिसका शीर्षक मैंने प्यार ही दिया है कि मैं किस नजरिए से प्यार को देखती हूँ। तो शुरू स्वागत करती हूँ। जज्बातों की मासूम कड़ी, जज्बातों की मासूम कड़ी जगा दे एहसास हर घड़ी, जज्बातों है। की मासूम कड़ी जगा दे एहसास हर घड़ी, प्यार सिर्फ गहराइयों में मिला, प्यार सिर्फ गहराइयों में मिला, ना लफ्जों की दरकार बस इशारों का वार, ना लफ्जों की दरकार बस इशारों का वार, प्यार सिर्फ निगाहों में बसा, प्यार सिर्फ निगाहों में बसा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी मुस्कुराहट कभी आंखें नम, कभी वाह, मुस्कुराहट कभी आंखें नम। शुक्रिया। प्यार उम्र भर की खूबसूरत सजा, प्यार उम्र भर की खूबसूरत सजा, ना उम्र की जंजीरों से पटा, ना उम्र की जंजीरों से पटा, ना धर्म जाति की लकीरों से बटा, गौर कीजिएगा, ना उम्र की जंजीरों से पटा, ना धर्म जाति की लकीरों से बटा, प्यार हर दिल में खिला, प्यार हर दिल में खिला, ना तूफानों से डरा ना बंधनों में बंधा, ना तूफानों से डरा ना बंधनों में बंधा, प्यार सब मुश्किलों से लड़ा, प्यार सब मुश्किलों से लड़ा, उसूलों कानूनों से परे, उसूलों कानूनों से परे, सामाजिक बेड़ियां तोड़ के, सामाजिक बेड़ियां तोड़ के, प्यार तूने खुद का इतिहास लिखा, प्यार तूने खुद का इतिहास लिखा, मिलता है नसीबों से खुदा के करिश्मों से, मिलता है नसीबों से खुदा के करिश्मों से, प्यार सिर्फ दुआओं से सजा, प्यार सिर्फ दुआओं से सजा, ना मौत के खौफ से ना जुदाई के वेग से, ना मौत के खौफ से ना जुदाई के वेग से मिटा, प्यार तू अमर था अमर रहा, प्यार तू अमर था अमर रहा। आशा करती हूँ कि प्रेम पखवाड़े पे मेरी ये रचना बेहद सही बैठी होगी और आपके दिलों तक पहुंची होगी। आस्था पढ़ो बेटा, आप अच्छा पढ़ रही है आस्था।
हेलो हेलो सर, बीच में थोड़ा आप दिक्कत पढ़ आ रही रही हो, थी। आप अच्छा पढ़ रही ठीक है हो। सर, ठीक है सर, ठीक है, मैं अगली रचना पे चलती हूँ। जैसा कि मैम ने कहा कि ये हमारा प्रेम पखवाड़ा चल रहा है, तो इसी के मद्देनजर मैंने एक कविता आज के लिए चुनी है जो कि है पहाड़ों पे। जैसे कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ और मेरा जीवन ज्यादातर पहाड़ों में बीता है, अल्मोड़ा नैनीताल इन वादियों से मैं हमेशा रूबरू हुई हूँ, तो इसी के चलते मैंने एक कविता लिखी है पहाड़ पे। तो इसका शीर्षक है, तुम पहाड़ हो, मनोरम दृश्यों की बहार हो, मनोरम दृश्यों की बहार हो, सुकून भरी छाव हो, मनोरम दृश्यों की बहार हो, सुकून भरी छाव हो, कुदरत की अप्रतिम रचना तुम पहाड़ हो, कुदरत की अप्रतिम रचना तुम पहाड़ हो, किसी का ख्वाब हो, किसी का आवास हो, किसी का ख्वाब हो, किसी का आवास हो, सबके दिल को छू लेने वाले, सबके दिल को छू लेने वाले तुम पहाड़ हो। पर क्या कभी किसी ने तुम्हें तुम्हारे नजरिए से देखा, पर क्या कभी किसी ने तुम्हें तुम्हारे नजरिए से देखा, वर्षों से यूं खड़े हो तुम, वर्षों से यूं खड़े हो तुम, सब मौसमों संग ढले हो तुम, वर्षों से यूं खड़े हो तुम, सब मौसमों संग ढले हो तुम, अपने परिवार जंगल पशु पक्षी जलधाराओं को तबाह होता देखा तुमने, कितनी सभ्यताओं के अंत के एकमात्र साक्षी बने, इतिहास के ज्ञाता हो, जीवन कर्णधार कर जल के विधाता हो, इतिहास के ज्ञाता हो, जीवन कर्णधार जल के दाता हो, फिर भी ना घमंड ना गुरूर, फिर भी ना घमंड ना गुरूर, बस सरलता को ही जाना हो, बस सरलता को ही जानो हो, बहुत धैर्यवान सहनशील हो। ये जो कुछ विचार है पहाड़ों को देखते हुए कि बहुत धैर्यवान सहनशील हो या मान लू कठोर हो, बहुत धैर्यवान सहनशील हो या मान लू कठोर हूं, क्योंकि पहाड़ तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि पहाड़ तोड़ना आसान नहीं, और टूटे तुम जब भी, और टूटे तुम जब भी, मची तबाही आपदाओं के रूप में, आपदाओं के रूप में, प्रकृति के रोष में, आपदाओं के रूप में, प्रकृति के रोष में, विध्वंस हर ओर मचा, ना तुम रहे ना जीवन रहा, ना तुम रहे ना जीवन रहा, तुम्हारी चोटियों तक पहुंच पाना, तुम्हारी चोटियों तक पहुंच पाना, यानी तुम्हारी महानता का ज्ञान पाना, है कठिन उतना ही, है कठिन उतना ही, जितना तुम सा कर्तव्यवान होना, मौन और स्थिर रहना, दर्द को भी हंस के सहना, मौन और स्थिर रहना, दर्द को भी हंस के सहना, एक संत से विद्यमान हो, देवताओं के चहेते तुम, देवताओं के चहेते तुम, पवित्रता का प्रमाण हो, मंदिरों का स्थान हो, शांति का मार्ग हो, मंदिरों का स्थान हो, शांति का मार्ग हो, प्रकृति की शान हो, तजुर्बों गुणों से परिपूर्ण, तजुर्बों गुणों से परिपूर्ण तुम पहाड़ हो, तुम पहाड़ हो। धन्यवाद आस्था जी देखिए, आपको जी। सभी लोग सुन रहे हैं, बहुत तबीयत से सुन रहे हैं, सभी की वाह वाह मिल रही है और बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, सभी लोग सुकून जब तू साथ है, वाह। पूजा जी का है, रजनीश जी हैं, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी दर्शक, सभी श्रोता लोग बहुत तबीयत से सुन रहे हैं प्रेम गीत को। इस प्रेम पखवाड़े में देखिए सभी रचनाकार हमारे प्रेम गीत लेके आए हैं। महिला दिवस के साथ साथ आपको प्रेम गीत भी सुनने को मिलेंगे हमारी सभी रचनाकारों से। आस्था जी आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, और आप देखिए पहाड़ों से हैं तो पहाड़ों की रानी ही कह के हम आपको बुलाएंगे, क्योंकि आप थैंक यू मैम। पहाड़ों से हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं, सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, सबकी वाह वाह मिल रही है। तो चलिए आगे की रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। आस्था, बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल, आपकी और रचनाओं का। थैंक यू मैम। जितने भी श्रोतागण यहाँ पे जुड़े हैं, रजनीश मैम, पूजा मैम, कुछ के मैं नाम पढ़ पाई, बाकी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा कलाकार के लिए यही एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि उनको ऐसा पटल मिले और सबका साथ मिले। नरेश जी हमेशा ये इस कोशिश में रहते हैं, उनको खास खास मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, और कंचन मैम हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अगली बहुत कविता बढ़िया। मैं दोस्ती पे लिखी है, क्योंकि प्रेम का एक रूप दोस्ती भी है, तो जी इसको स्वागत मैं है कहना आपका। चाहूंगी।
स्वागत है। बेगानी सी इस दुनिया में, बेगानी सी इस दुनिया में जिससे आत्मीयता बरकरार है, बेगानी सी इस दुनिया में जिससे आत्मीयता बरकरार है, दोस्ती वो दरिया, दोस्ती वो दरिया जिसमें बेपनाह प्यार है, दोस्ती वो दरिया जिसमें बेपनाह प्यार है, दूरियों में भी साथ है, दूरियों में भी साथ है, ना लफ्जों की प्यास है, गौर कीजिएगा, दूरियों में भी साथ है, ना लफ्जों की प्यास है, दोस्ती वो रिश्ता, दोस्ती वो रिश्ता जिसमें रूहानी एहसास है, दोस्ती वो रिश्ता जिसमें रूहानी एहसास है, गमों के दौर भी, गमों के दौर भी जिसके दम पर आसान है, गमों के क्या बात दौर भी जिसके दम पर आसान है, दोस्ती वो नगमा, दोस्ती वो नगमा जिसमें सुकून बेशुमार है, दोस्ती क्या वो बात। नगमा जिसमें सुकून बेशुमार है। धन्यवाद मैम। रोजाना जश्न, रोजाना जश्न नई उमंग, रोजाना जश्न नई उमंग देती मुस्कुराहट की वजह हजार है, देती मुस्कुराहट की वजह हजार है, दोस्ती वो तोहफा, दोस्ती वो तोहफा जिससे जिंदगी गुलजार है, क्या दोस्ती बात वो है, तोहफा जिससे जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए आस्था, आपने बताया दोस्ती वो दरिया जिसमें बेपनाह प्यार है। मोहब्बत और दोस्ती दोनों का एक ही मिलन है, एक ही का वजह होती है, एक ही अर्थ होता है। तो आपने इतने अच्छे से बताया दोस्ती वो दरिया जिस इसमें बेपनाह प्यार है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके आपके साथ मिलके हमें, जी मैम, और बहुत कुछ अच्छे से पंक्तियां आप मैम और बोल पढ़ना रही हैं, चाहूंगी, तो आप पढ़ो पढ़ो आस्था, पढ़ो, उनके नेट में आप दिक्कत है ऐसे शायद। पढ़ती रहिए। और बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है मैम, मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ जो कि महिलाओं से जुड़ी है। जी मेरा एक विचार है कि बिल्कुल। हम महिला दिवस हर हाँ वर्ष मनाते हैं, खासकर महिलाओं के लिए पिछले कुछ सालों से दिन मनाए जा रहे हैं, जैसे कि मातृ दिवस हम मनाते हैं, बेटियों के लिए दिवस मनाते हैं, पर जितने कर्तव्य हम निभा रहे हैं या जितने संघर्ष से आज भी स्त्री जूझ रही है, मेरा मानना यह है कि हर दिन हमें उनकी रक्षा और उनकी सम्मान के लिए सोचना चाहिए और हर स्त्री को हर दिन अपने को समर्थ समझना चाहिए। तो इन विचारों के साथ एक कविता मैंने लिखी थी जिसका शीर्षक है भूलना नहीं, भूलना नहीं जी इसका शीर्षक है, तो मैं इसको शुरू करती हूँ। अगर वह शीतल है, अगर वह शीतल है, भूलना नहीं अग्नि भी उसके भीतर है, अगर वह शीतल है, अगर वह शीतल है, भूलना नहीं अग्नि भी उसके भीतर है, अगर वह शांत है, अगर वह शांत है, भूलना नहीं उसके भीतर भी तूफान है, अगर वह शांत है, भूलना नहीं उसके भीतर भी तूफान है, माना वह पल पल साथ है, माना वह पल पल साथ है, भूलना नहीं उसके भी अरमान है, माना वह पल पल साथ है, माना वह पल पल साथ है, भूलना नहीं उसके भी अरमान है, अगर वह सुनसान है, अगर वह सुनसान है, भूलना नहीं भीतर एक आवाज है, अगर वह सुनसान है, भूलना नहीं भीतर एक आवाज है, अगर वह कामयाब है, अगर वह कामयाब है, भूलना नहीं हजार संघर्षों का परिणाम है, अगर वह कामयाब है, भूलना नहीं हजार संघर्षों का परिणाम है, और आज उस पर नाज है, और आज उस पर नाज है, भूलना नहीं, भूलना नहीं, कल पर भी उसका अधिकार है, कल पर भी उसका अधिकार है। शुक्रिया मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर वह शांत है तो भूलना नहीं उसके भीतर भी तूफान है। सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि स्त्री का कोई दिवस नहीं होना चाहिए, जी मैम, हर रोज स्त्री का दिवस होना चाहिए, किसी एक दिवस को लेकर के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की रचना ही स्त्री करती है, और इसके बिना सब कुछ सूना है। पुरुष कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके पीछे
स्त्री का कहीं ना कहीं हाथ होता है। सबसे पहले तो उसे जन्म देने में ही उसका हाथ होता है। यदि वो जन्म ना दे तो पुरुष है कहाँ से, है ना? तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात आपने कही कि अगर वह शांत है तो उसके भीतर भी तूफान है, ये मत भूलना। बहुत बढ़िया आस्था, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। और इसी के साथ आप अपनी अगली रचना की ओर बढ़िए और देखिए, सभी लोग आसान बहुत तबीयत से आसान। सुन रहे हैं आपकी रचनाओं हाँ, इस को। प्रोग्राम के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर हरीश नोवल जी भी आपकी रचना को पसंद कर रहे हैं, हाँ अमेरिका बहुत से। बहुत इतनी शुक्रिया सर। बिल्कुल मैं एक बात कहना चाहूंगी मैम, मेरे को जब ये कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला तो मैं काफी डरी हुई थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं जब सब परिचय दे रहे थे कि इतने बड़े नहीं बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इतने परिपक्व हैं, तजुर्बेकार हैं, मैं तो अभी बस कुछ ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कुछ ही पलों से लिख रही हूँ आप सबके जी मुकाबले, लेकिन आपके हौसले से मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी मैं इस साहित्य के सफर से जुड़ी रहूंगी। बिल्कुल, आपका साहित्य का सफर बहुत लंबा होगा और एक बहुत अच्छी रचनाकार आप आगे होंगी। अभी आप जुड़ी हैं तो नए रचनाकारों को हम लोग मौका भी देते हैं और सुनना भी चाहते हैं कि आखिर उनके मन में कौन सा तूफान दबा हुआ है या कौन सा अध्यक्ष तूफान चल महाराज, रहा है ना? वरिष्ठ साहित्यकार भी आपको सुन रहे हैं, जी जामवती सर मिश्रा भी सुन रही है, बिल्कुल, बहुत सारे लोग देखिए आपको सुन रहे हैं बेटा, आप पढ़ो। बिल्कुल 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 देखिए, कमलेश जी भी हैं, अगर वह शांत है, कितना अच्छा बोल रहे हैं, अगर वह शांत है तो भूलना नहीं उसके भीतर भी तूफान है। कमलेश जी सुन रहे हैं, कमलेश जी नमस्कार, आप रचनाकारों को सुन रहे हैं और हमारे सभी रचनाकारों की हौसला अफजाई कर रहे हैं सभी लोग। आस्था जी, मैं चाहूंगी कि आप अगली रचना बिल्कुल की ओर मैम। बढ़िए। मैम जैसे कि मैंने परिचय में भी कहा था, मैंने पर्यावरण विज्ञान से अपना स्नातकोत्तर पूर्ण किया है, तो प्रकृति और पर्यावरण को लेके सजग रहने की एक बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरत मैं आज समझती हूँ, और बचपन से ही इन सब चीजों से जुड़ाव है एक पहाड़ में रहने की वजह से। तो एक कविता मैंने लिखी थी पृथ्वी के लिए, और पृथ्वी को भी हम माँ के स्वागत रूप में ही पूजते आए हैं, तो उसका शीर्षक है पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। है, क्या बात है, स्वागत है। जिसे जला दिया प्रदूषण की आग में, जिसे जला दिया प्रदूषण की आग में, चोटिल किया अंधी चाह में, जिसे जला दिया प्रदूषण की आग में, चोटिल किया अंधी चाह में, कौन है वो, कौन है वो? पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। प्रकृति को निरंतर कष्ट दिया, प्रकृति को निरंतर कष्ट दिया, उसके संसाधनों को नष्ट किया, प्रकृति को निरंतर कष्ट दिया, उसके संसाधनों को नष्ट किया। किससे जन्मे वो, किससे जन्मे वो? पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। जंगलों की भभकती आग ना दिखी, जंगलों की भभकती आग ना दिखी, ना जीव जंतु की करुण पुकार सुनी, जंगलों की भभकती आग ना दिखी, ना जीव जंतु की करुण पुकार सुनी। किसकी संतान वह, किसकी संतान वह? पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। समंदर से पहाड़ तक, रेगिस्तान से पठार तक, गौर कीजिएगा, समंदर से पहाड़ तक, रेगिस्तान से पठार तक, सब कुछ ध्वस्त किया, सब कुछ ध्वस्त किया, प्राकृतिक संतुलन त्रस्त किया, प्राकृतिक संतुलन त्रस्त किया। किसके अवयव वो, किसके अवयव वो? पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। कर्मों का फल स्वाभाविक है, कर्मों का फल स्वाभाविक है, आपदाओं का कहर भयानक है, आपदाओं का कहर भयानक है। भविष्य किसका आतंकित है, भविष्य क्या किसका बात, आतंकित है? पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी घर हमारा संसार हमारा। क्यों अब तक निश्चिंत हम, क्यों अब तक निश्चिंत हम? क्षतिग्रस्त पर्यावरण से अनभिज्ञ हम, क्षतिग्रस्त पर्यावरण से अनभिज्ञ हम। जिस पर निर्भर, जिस पर निर्भर अस्तित्व हमारा, प्रकृति घर हमारा संसार हमारा। वक्त पर संभल जाए तो, वक्त पर संभल जाए तो, एकजुट कदम बढ़ाए तो, वक्त पर संभल जाए तो, एकजुट कदम बढ़ाए तो, किसके कल का होगा स्वर्णिम उजाला, किसके
किसके कल का होगा स्वर्णिम उजाला, पृथ्वी खर हमारा संसार हमारा, पृथ्वी खर हमारा संसार हमारा। धन्यवाद। आस्था, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उन पंक्तियों को फिर से दोहरा दीजिए, जी मैम, समंदर से पहाड़ तक। बिल्कुल मैम, ठीक है। हम्म, समंदर से पहाड़ तक, समंदर वाह से पहाड़ तक, रेगिस्तान से पठार तक, समंदर वाह से वाह, पहाड़ तक, रेगिस्तान से पठार तक, सब कुछ ध्वस्त किया, प्राकृतिक संतुलन त्रस्त किया, किसके अवयव वो, किसके अवयव वो, पृथ्वी खर हमारा संसार क्या बात, हमारा, बहुत पृथ्वी खर बढ़िया। हमारा संसार। देखिए, सभी लोग आपकी रचना को बहुत तबीयत से सुन रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। सारे काम छोड़ करके सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कि समंदर से पहाड़ तक, रेगिस्तान से पठार तक, सब कुछ ध्वस्त किया। धरती हमारी माँ है जी और सबसे पहले हम धरती पे आने के लिए धरती माँ की ही पूजा किए हैं। तो इसी से संबंधित आपने जो रचना सुनाई, आज धरती भी स्त्री है, उसकी भी जी मैम, सशक्तिकरण के लिए हमें बात करनी है। वो भी तभी सशक्त होगी जब हम सब मिल करके उसे बचाने का प्रयास करेंगे। जब जहां प्रकृति है वहीं स्त्री है। यदि प्रकृति में सुनसान है और त्राही त्राही है, तो स्त्री भी कहीं ना कहीं दुखी है ना। आपने बहुत अच्छी रचना सुनाई है कि समंदर से पहाड़ तक और रेगिस्तान से पठार तक सब कुछ ध्वस्त किया, बहुत बढ़िया। और देखिए, सभी लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं। पर्यावरण की महत्ता को बताया आपने बहुत अच्छे से। देखिए, अति उत्तम पल्लवी जी हैं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। वाह आस्था, सभी लोग आपका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत खुश हैं आपकी कविताओं को सुनकर। अपनी अगली कविता की ओर बढ़िए, आपको क्या सुनाना है? ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यहाँ पे आपने पल्लवी मैम का जिक्र किया, पल्लवी मैम ने ही मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा, तो उनको मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस मौके के लिए वो यहाँ तक लाई। तो सभी का बहुत बिल्कुल बहुत शुक्रिया। मैं अगली रचना की ओर बढ़ती हूँ। अगली रचना थोड़ा प्रेम से उस पे मैंने लिखी है, क्योंकि बहुत बात हमने कर ली महिला सशक्तिकरण और बाकी चीजों पे। तो हाँ, स्वागत है आज। हाँ, इसका शीर्षक है आज देखा तुम्हें। तो इससे मैं शुरुआत करूंगी। ये शीर्षक है आज देखा तुम्हें। आज देखा तुम्हें तो लगा बहार आई, आज देखा तुम्हें तो लगा बहार आई, एक अरसे बाद फिर सुबह आई। आज क्या बात, देखा तुम्हें तो लगा बहार आई, एक अरसे बाद फिर सुबह आई। थिरुत वो भी मस्तानी की नजरों ने गुस्ताखी, थिरुत वो भी मस्तानी की नजरों ने गुस्ताखी, बीती बातें सब याद आई, बीती क्या बात, बातें सब याद आई, बेचैनी संग लाई, बेचैनी संग लाई, छिप कर दीदार करते थे बस तेरी ही राह तकते थे, छिप कर दीदार करते थे बस तेरी ही राह तकते थे, इंतजार की घड़ियां याद आई, इंतजार की घड़ियां याद आई, जाने क्यों आंखें भर आई, जाने क्यों आंखें भर आई, तेरे लिए तो सब इंतफाक था, तेरे लिए तो सब इंतफाक था, और यहाँ सिर्फ तेरा ही ख्याल था, और यहाँ सिर्फ तेरा ही ख्याल था, बेपनाह इश्क की सजा पाई, बेपनाह इश्क की सजा पाई, हिस्से में तन्हाई आई, हिस्से में बहुत तन्हाई आई, भागते रहे, बढ़िया, भागते रहे दर्द छिपाने के लिए, भागते रहे दर्द छिपाने के लिए, छोड़ दिया शहर गम भुलाने के लिए, छोड़ दिया शहर गम भुलाने के लिए, पर वक्त की साजिशें रंग लाई, पर वक्त की साजिशें रंग लाई, अपनी कोशिशें नाकाम पाई, अपनी कोशिशें नाकाम पाई, और आज देखा तुम्हें तो लगा बहार आई, और आज देखा तुम्हें तो लगा बहार आई, एक अरसे बाद फिर सुबह आई, एक अरसे बाद फिर सुबह आई। बहुत बढ़िया आस्था। आपने कहा वक्त की साजिशें रंग लाईं, कोशिशें सारी नाकाम रहीं। क्या बात है, प्रेम में पड़ी हुई स्त्री या पड़ा हुआ पुरुष हमेशा नाकाम ही रहा है, कभी सफल नहीं होता, क्योंकि हाँ, ये प्रकृति है और ये ईश्वर का दूसरा रूप है। जैसे हम ईश्वर को कभी नहीं भुला पाते, वो हर वक्त, हर पल, हर क्षण, हम कहीं भी हों, हमारे साथ होता है। उसी तरह प्रेम है,
हम प्रेम को सिर्फ महसूस करते हैं और उसको हर पल, हर क्षण, हर समय अपने करीब पाते हैं। तो ईश्वर का दूसरा रूप जो प्रेम है हमारा, वो हमारी रगों में समा जाता है जब हमें किसी से होता है। और कहने की बात यह है कि कहते हैं कि स्त्री अपना पहला प्यार कभी नहीं भुलाती, वास्तविकता यही है, पुरुष भी नहीं भूलता। ऐसा नहीं है कि तुझा अधिकार ना अरे आज तुझा कार ना अगर हाँ कमेंट्स कार मतलब हाँ पढ़ो बेटा आस्था बेटा पढ़ो आप जी सर, जी माइक सर, ये मैम की आवाज शायद टेंशन आपको कुछ माइक कम। ठीक तू शांत भेजना हाँ आस्था पढ़ो आप है सर, हाँ बिल्कुल। पढ़िए आस्था जी, स्वागत है, अगली कविता की तरफ आप बढ़ जाइए। ठीक है मैम। अगली कविता एक संदेश की तरह है हर स्त्री के लिए, जो मैंने एक विशेष संदेश की तरह लिखा है, तो इसको जी उसी की तरह लीजिएगा। स्वागत है उड़ना ख्वाबों के आसमां में, उड़ना ख्वाबों के आसमां में, बदना मत मजबूरी की जंजीरों में। उड़ना ख्वाबों के आसमां में, बदना मत मजबूरी की जंजीरों में। त्याग नहीं चुनना ऐसा कोई, त्याग नहीं चुनना ऐसा कोई जो मिटा दे अस्तित्व लकीरों से। त्याग नहीं बिल्कुल चुनना ऐसा कोई जो मिटा दे अस्तित्व लकीरों से। बदलेगी सोच या वक्त हमारे लिए, बदलेगी सोच या वक्त हमारे लिए। है बेबुनियाद उम्मीद बिके जमीरों से, है बेबुनियाद उम्मीद बिके जमीरों से। अपनी रक्षक संरक्षक है स्वयं स्त्री, अपनी क्या बात है रक्षक संरक्षक है स्वयं स्त्री। जो जोड़े बुलंद हौसले अपनी तकदीरों से। खोना ना अपनी पहचान कभी, खोना ना जी अपनी पहचान कभी। सजाना जिंदगी मनचाही तस्वीरों से, सजाना क्या बात है जिंदगी मनचाही तस्वीरों से। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी सारी रचनाएं बहुत अच्छी लगी, सभी की वाह वाह मिली और सभी बहुत खुश हुए आपकी रचनाओं को। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी रचनाओं को दिल ने छुआ है, दिल को छू गई सबके, सभी बहुत बहुत ने शुक्रिया मैम। शुक्रिया किया है।